सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर्स ब्लॉग। मैं आज आप लोगों को लबड़ के ट्री, जैसे लबड़ के पेड़ कैसा होता है, उससे कैसे वो दूध को निकलता है और उसे कैसे मशीन में लगाया जाता है और कैसे उसको सबेटा सबेटा बनाया जाता है। सो इस वीडियो में आप लोगों के साथ देखने को मिलेगा। सो वीडियो पर बन रखे वीडियो, एक नेचुरल लबड़ है आपको, एक है केमिकल, दूसरा है केमिकल वाला। आपको वही को कुछ कुछ वगैरह आप लोग बनता है, प्लास्टिक वगैरह ये सब आपको बनाते हैं जो केमिकल से मिलाकर आप बनाता होता है। जो नेचुरल लबड़ है वो कैसा है, उसका देखने में कैसा है, ट्री कैसा है, क्योंकि गाइस अभी वर्ल्ड में लबड़ का बहुत सारा चीज़ बनता है। सो उसका मैं आज आप लोगों को ट्री दिखाने वाला हूँ, उसका पेड़ कैसा है, दूध कैसे निकलता है। सो गाइस चलते हैं। एक्चुअली गाइस लबड़ का पेड़ कुछ इस तरह करके होता है गाइस, जो आप लोग ये दिखाई दिया हुआ गाइस, कुछ इस तरह करके होता है, जैसे कि मैं अभी सामने जाके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। सो गाइस कुछ इस तरह करके होता है। सो गाइस यहाँ पे एक टोकरी रखा है और यहाँ से जो मॉर्निंग का टाइम में यहाँ पे थोड़ा काट देना है, मॉर्निंग का टाइम में 7 बजे या 5 बजे आके यहाँ पे काट देना है। उसके बाद यहाँ से आपको इस टोकरी में जम जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको निकल के दूध जैसा निकलेगा। उसके बाद इस तरह करके यहाँ पे जम जाता है, उसके बाद टोकरी में डालकर आपको मशीन में कैसे लगाता है और क्या क्या केमिकल देना पड़ता है। सो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा का बगान कुछ इस तरह करके, पेड़ वगैरह ऐसा करके है गाइस। सो देख सकते हैं आप लोग। एक्चुअली गाइस लावड़ का पेड़ यही है जो आप लोगों को दिख रहा होगा। सो ये टोकरी रखते हैं गाइस, वो दूध निकलता है 5 बजे को, थोड़ा कट कर देना हो जो आप लोगों को दिख रहा होगा। कट कर देने से 5 बजे को क्या होता है कि वहाँ से दूध निकलकर उस टोकरी पर जम जाता है, आ जाता है, जैसे कि सेम दूध जैसे दिखाई देता है। सो गाइस मॉर्निंग का टाइम में जैसे कि 4-5 बजे को उठ के वो को कट करके उसको दूध को जैसे कि 1-2 घंटे तक उसमें जैसे कि आता रहेगा उस टोकरी पर, उसके बाद अपने आप बंद हो जाएगा आने के लिए। उसके बाद वो ख़त्म हो जाने के बाद रोज़ होता है गाइस, एक्चुअली जैसे कि रोज़ होता है। उसके बाद जनवरी से लेकर कितना महीने तक बंद रहता है, नहीं आता, उससे दूध नहीं निकलता निकलता है गाइस। एक्चुअली गाइस ये सब धान, जो धान खेती है, खेती वगैरह है गाइस, ये आप लोग धान वगैरह आप लोग यहाँ से व्यू एक्चुअली देखने को बहुत अच्छा लगेगा गाइस। एक्चुअली ये गांव बस्ती में तो ऐसा ही है, उसमें केमिकल को कैसे लगाता है, उल्लावड़ को कैसे केमिकल में कैसे मिक्सर को कैसे सुखाता है, कैसे मशीन में लगाता है। सो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को अभी मैं लेकर जा रहा हूँ, सो आप लोग देखते रहिए। मॉर्निंग का टाइम में काट के उठा के उसको इस तरह करके लाया जाता है। उसके बाद गाइस अभी इसको यहाँ पे आपको प्लेट में जो इसका कटोरी है, जो इसका प्लेट का साइज़ है, इसमें यहाँ पे आपको छाके वाके आपको यहाँ पे केमिकल मिला के यहाँ पे आपको रख देना है। पानी को भी यहाँ पे ऐड करना है और केमिकल को भी ऐड करना है। सेम मिल्क की तरह है गाइस, सेम दूध की तरह है। कुछ आप लोगों को जैसे कि वीडियो पर देख सकते हैं गाइस। चलिए गाइस बहुत वाइट है गाइस, बहुत सफ़ेद है ये गाइस, कुछ इस तरह करके छकता है गाइस। एक्चुअली छान कर इसको निकाला जाता है गाइस, इसे 2-3-4-5 दिन ऐसे 2 दिन छोड़ देना है, जैसे पड़ा रहना है गाइस। उसके बाद ये वहाँ पे टाइट होता है, उसके बाद निकाल कर मशीन में लगाना है गाइस। अभी आप लोग देख सकते हैं इसको ऐसे करके छक के आपको यहाँ से 2-3 दिन के बाद ये पूरा सूख जाता है, जैसे कि यहाँ पे जम जाता है। उसके बाद आप इसको मशीन में लगाया जाता है गाइस, मिलाकर इसमें ऐड होता है गाइस, पानी कितना देना है, कितना करना है, ये सब लिमिटेड रहता है, जैसे कि केमिकल कितना देना है सब लिमिटेड रहता है। सो गाइस मैं अभी आप लोगों को मशीन, इसका जो मशीन है, इसको कैसे तकिया जैसा निकालता है, जैसे कि तकिया जैसा बनाता है। सो अभी आप लोगों को मैं मशीन दिखा रहा हूँ इसका। सो गाइस मशीन कुछ आप लोगों को इस तरह करके मशीन यहाँ पे आपको प्लेन करना है, जैसे कि तकिया जैसा निकालना है, ठीक है। यहाँ से तकिया जैसा बनता है, एक हो गया, ये 1 स्टेप हो गया। अभी 2 स्टेप इसमें आपको थोड़ा उसमें डिजाइनिंग करना है, डिजाइनिंग करके गाइस कुछ इस तरह करके 2-3 दिन के बाद सूख जाता है, तो कुछ इस तरह कलर के बन जाता है। जो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।